अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे कोकोनट का हलवा, यानी खोपरे का हलवा। ये बहुत ही लजीज और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। गैस पे जो है मैंने पैन रख लिया है, और जैसे ही पैन हमारा गरम हो जाएगा, मैंने इसमें ऐड कर लेना है देसी घी। तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये बहुत ही कम चीज़ों में बनी जाती है, 2 से 3 चीज़ें ही हमने जो है इसमें ऐड करना है। और ये इतनी ज़बरदस्ती रेसिपी और मीठा हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। और देसी घी का जो एक जायका होता है वो तो इतना ही लाजवाब आता है, आप यकीन मानिए। आप अगर देसी घी में बनाओगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो इतना बेहतरीन उठ कर आता है। जो है मैंने इसमें ऐड कर लिया है 1 कप ऑफ कोकोनट। ये फ्रेश कोकोनट है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था, ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। और इसे जो है हमने 1 से 2 मिनट के लिए घी में जो है फ्राई कर लेना है, ताकि कोकोनट के अंदर जो खुद का पानी होता है वो पूरी तरीके से सूख जाए और घी में जो है कोकोनट पूरी तरीके से मिल जाए। तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए हम फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए कोकोनट हमारा एकदम सॉफ्ट हो चुका है, और मिक्स करने में ये एकदम स्मूथ तरीके से जो है अब मिक्स हो रहा है। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लेना है मिल्क, मिल्क जो है मैंने 1 ग्लास लिया है, और ये फुल फैट मिल्क है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मेरा अभी हाई पे है। इसे हमें कुक कर लेना है 1 बॉईल आने तक के। देखिए बॉईल हमारा आ चुका है, अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं। घी पूरा सेपरेट हो चुका है और दूध के साथ जो है कोकोनट अच्छे से मिल चुका है। इसे हमें जो है ना दूध को पूरी तरीके से खुश कर देना है, यानी सुखा लेना है। ये मैंने लिया हुआ है गुड़, गुड़ का पाउडर मैंने लिया है। अगर आपको गुड़ का पाउडर नहीं मिलता है तो आप जो है ना नॉर्मल गुड़ भी यूज़ कर सकते हो। इसे डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसका जो कलर होगा वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, और उसमें इतना ही खूबसूरत ये दिखाई देता है। साइड के कॉर्नर जो है हम क्लीन कर लेंगे, और इसे कवर लिड करके हमने पका लेना है 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो चलिए इसे मैं पकने देती हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, फिर हम चेक कर लेंगे। देखिए 12 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चला लेते हैं एक बार। पूरी तरीके से जो है दूध खुश्क हो चुका है, और गुड़ भी जो है पूरी तरीके से डिसॉल्व हो चुका है, कलर चेंज हो चुका है, और घी जो है पूरी तरीके से सेपरेट हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पक रहा है। अब हमने जो है इसे बिना कवर करे जो है पका लेना है, और पूरी तरीके से इसका जो लिक्विड है ये हमें सुखा लेना है। तो
तो हम इसे कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये मैंने इलायची को जो है कूट लिया है। आप चाहे तो इलायची पाउडर, प्योर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें हम शामिल कर लेंगे। और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और पूरी पूरा जो घी है वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स हुआ हुआ। देखिए कितना अच्छी तरीके से ये पका है। और सारे जो है कोकोनट के रेशे वैसे ही है, और गुड़ के साथ जो इसका फ्लेवर आया है वो बहुत ही बढ़िया सा है। तो चलिए हम अब जो है गैस बंद कर लेते हैं। ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए जो है मैंने इसे भून लिया था। और घी भी जो है पूरा सेपरेट हो चुका है। गैस बंद कर लेते हैं। और अब जो है इसे हम डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, तो मेरी आगे वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप सबसे पहले इसे देख सकते हो। तो देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ इसे गार्निश किया है और हमारा कोकोनट का हलवा बनकर एकदम तैयार है। बहुत ही टेस्टी बने हैं ये, बहुत ही ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आएंगी। और चलिए फिर मैं फिर मिलती हूँ मेरी एक न्यू रेसिपी को लेके। तब तक के लिए अपना ज़रूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।